रेलवे कर्मचारियों को रेलवे प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं। 1. ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा 5 साल पूरी नहीं हुई है, तो उसे साल में एक सेट फ्री पास और 4 सेट पीटीओ मिलता है। पीटीओ जिसमें एक तिहाई भाड़ा देना होता है। जिन कर्मचारियों की सेवा 5 साल पूरा हो जाता है, तो उन्हें साल में 3 सेट फ्री पास और 4 सेट पीटीओ मिलता है। 2. रेलवे कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में 3% का वेतन वृद्धि मिलता है। 3. साल में 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ता मिलता है। 4. प्रत्येक 10 साल पर वेतन आयोग का गठन द्वारा कर्मचारियों का वेतन पुनर्निरीक्ष कर वेतन बढ़ोतरी किया जाता है। 5. रात्रि ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। 6. यदि कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से बाहर 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ड्यूटी करने जाते हैं, तो उन्हें यात्रा भत्ता मिलता है। 7. यदि कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो उस समय दुर्घटना स्थल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों एंड अधिकारियों को यात्रा भत्ता के साथ साथ डाइट अलाउंस भी मिलता है। 8. अपने कार्यकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके एक आश्रित को नौकरी दी जाती है और पत्नी को पेंशन मिलता है। 9. यदि कुछ समय बाद पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, तो अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री को भी पेंशन मिलता है। 10. इलाज के लिए रेलवे का अपना हेल्थ यूनिट और अस्पताल होता है, जिसमें कर्मचारी और उसके आश्रित को निःशुल्क उपचार होता है। 11. यदि कोई स्टाफ ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है, तो 3 महीने तक पूरा वेतन मिलता है और साथ साथ निःशुल्क उपचार भी होता है। यदि 3 महीने से ज्यादा उपचार में लगता है, तो उसके बाद कर्मचारी का अपना छुट्टी कटता है, परंतु वेतन मिलते रहता है। 12. कर्मचारियों का बेटा बेटी कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उन्हें अलग से एजुकेशनल पास मिलता है। 13. कर्मचारियों को साल में 10 दिन का आकस्मिक छुट्टी मिलता है, जो अवेल नहीं करने पर लैप्स हो जाता है। 14. साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है, जो नहीं लेने पर भी निर्धारित सीमा तक जमा रहता है। इसके अलावा साल में 10 दिन का सिक लीव मिलता है, जो नहीं लेने पर भी जमा रहता है। 15. महिला कर्मचारी को पहले 2 संतान के जन्म होने पर प्रत्येक संतान पर मातृत्व अवकाश मिलता है और पुरुष कर्मचारी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। 16. कर्मचारी के पहले 2 संतान को पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। 17. यदि दूसरा संतान के समय जुड़वां बच्चे का जन्म होता है, तो पहले बच्चे के साथ साथ दोनों जुड़वे बच्चों को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। यदि कोई बच्चा दिव्यांग है, तो उसे 2 गुना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। 18. रेलवे कर्मचारी अपने नौकरी के दौरान पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा शादी नहीं कर सकता है, परंतु यदि पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो वह दूसरी शादी कर सकता है। ऐसे परिस्थिति में दूसरी पत्नी के भी पहले 2 संतान को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। साथ ही साथ यदि पत्नी रेलवे कर्मचारी है, तो पुनः उसे प्रत्येक बच्चे पर मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। 19. यदि महिला कर्मचारी के पहले पति का मृत्यु हो जाता है, तो वह भी दूसरी शादी कर सकती है। तत्पश्चात उसके दूसरे पति को भी वह सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पहले पति को मिल रहा था। 20.
वैसे कर्मचारी जो वन 2004 के पहले नियुक्त किए गए हैं, उन्हें आजीवन पेंशन की सुविधा मिलता है और उनके मृत्युपरांत उसके विधवा पत्नी को भी पेंशन मिलेगा। विधवा पत्नी के मृत्युपरांत परिवार में यदि पूर्ण रूप से विकलांग पुत्र, अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री में से किसी एक को पेंशन देने का प्रावधान है। 21. कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो यूनियन के ऑफिस बियरर होते हैं। उन्हें रेलवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग हेतु साल में अधिकतम 6 दिन का विशेष अवकाश मिलता है, जैसे इनफॉर्मल मीटिंग, पीएनएम आदि। 22. ऐसे कर्मचारी जो खेल कूद में रुचि लेते हैं और रेलवे के तरफ से खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन सेकंड हाफ में ड्यूटी न कराकर खेल का अभ्यास करने की छूट दी जाती है। साथ ही इनको जब किसी प्रतियोगिता खेल में भाग लेते हैं तो विशेष अवकाश का सुविधा मिलता है। 23. किसी कर्मचारी का अपने कार्यस्थल से कहीं दूसरे जगह स्थानांतरण किया जाता है तो उसे परिवार सहित ट्रांसफर पास मिलता है जिसकी वैलिडिटी 2 महीने की होती है। घर के सामान की ढुलाई के लिए अलग से ट्रांसफर भत्ता मिलता है। 24. प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय गंतव्य स्थान तक जाने के लिए फैमिली पास मिलता है जिसका वैलिडिटी 3 महीने तक का होता है। साथ ही साथ घरेलू सामान को भी शिफ्ट करने के लिए अलग से भत्ता मिलता है। 25. सामान्यतः कर्मचारी को 8 घंटे प्रतिदिन ड्यूटी करने के बाद 7वां दिन मिनिमम 30 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी को कंटिन्यूअस श्रेणी में रखा जाता है, जैसे क्लर्क, एसएम, गार्ड, ड्राइवर, टीसी, टीटीई आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 26. कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी 12 घंटे की होती है। उन्हें सामान्यतः सप्ताह में 2 दिन का रेस्ट मिलता है। इस तरह के स्टाफ एसेंशियल इंटरमिटेंट स्टाफ कहलाते हैं। गेट कीपर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। 27. कुछ कर्मचारियों को 6 घंटे का ड्यूटी बड़े ही सतर्क होकर करना पड़ता है। ये ट्रेन के परिचालन नियंत्रण के रूप में काम करते हैं। इनको इंटेंसिव ग्रुप में रखा गया है। इन्हें भी साप्ताहिक रेस्ट दिया जाता है, जैसे कंट्रोलर आदि। 28. कुछ कर्मचारियों जिनका शेड्यूल्ड रेस्ट निश्चित नहीं होता है और न ही रोस्टर ड्यूटी होता है, इन्हें 24 घंटे की जिम्मेवारी होती है और जब रेलवे को काम की जरूरत होती है उस समय इन्हें उपस्थित होकर काम को निपटाने पड़ते हैं, जैसे एक्सीडेंट साइट, ब्रेकडाउन आदि के स्टाफ। इस प्रकार के ड्यूटी के लिए सभी विभागों से स्टाफ नॉमिनेट किए जाते हैं। ये एक्सक्लूडेड श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भी और कई सारी सुविधाएं कर्मचारियों को समयानुसार मिलते रहता है, साथ ही सुविधाएं समयानुसार संशोधित भी होते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।